दोस्तों आज का ये लेक्चर आप लोगों की जिंदगी आसान करने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती हैं और कई बार आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जीडीपी एट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, यहां पर इसी तरीके से जीवीए की बात करते हैं, ये जीडीपी क्या है और सीएसओ यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यहां पर ये काम करती है, क्या यहां पर मार्केट प्राइस है और किस तरीके से कौन सी जीडीपी को हम लोग असली में जीडीपी बोलते हैं, ये तमाम मुद्दे आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाले हैं। बेसिक जो हमारा फोकस रहने वाला है ये आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और बेसिक प्राइस क्या है। अगर एक बार ये आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जीडीपी और जीवीए के बारे में बात करेंगे और फिर सीएसओ जो कि आज के डेट में इसको चेंज करके मर्ज कर एक नया ऑफिस बनाने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़े ही फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखने को मिलते हैं कि हाँ सीएसओ ने ये डेटा निकाल दिया, सीएसओ ने वो कर दिया, ये जीडीपी फैक्टर पोस्ट कॉस्ट इतनी है, मार्केट प्राइस इतनी है। एक बार आप लोग इनको समझ लेंगे तो जिंदगी आधे से ज्यादा आसान हो जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। जैसे जैसे आप लोगों को मैं बताता चलूंगा आप लोग बोलेंगे यार ये इतना आसान था अब तक हम लोगों ने समझा क्यों नहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, ये जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है यहाँ पर, ये यानी कि सेकंड चैप्टर में जो भी टर्म आ रही है ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर है, आगे भी आप लोग कई बार ये देखने को मिलेगा। तो जो एनसीईआरटी 12th का सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग फोकस देने वाले हैं। अगर किसी ने अब तक 11th की एनसीईआरटी नहीं सुनी है तो पूरे लेक्चर उसके कंप्लीट हो चुके हैं, वो जाकर आप लोग सुन सकते हैं या फिर पॉलिटी के आप लोग लेक्चर सुन सकते हैं। तो करंट के साथ साथ में यानी कि द हिंदू, नैनो और क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को अपना जो पोर्शन है स्टैटिक वाला वो भी कवर कर चलना है, तभी आप लोगों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है। तो पूरा फोकस देकर चलिए, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं या फिर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, तो सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले नजर डालते हैं यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसी के साथ में एक टर्म आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसको आप लोग जीवीए बोलते हैं, इसको सकल मूल्य वृद्धि बोलते हैं। ग्रोस जो शब्द है ये बेसिकली इसका मतलब होता है सकल, हिंदी में बोला जाता है सकल, अगर वैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलेंगे टोटल या फिर कुल भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुल कितना माल है यहां पर, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कुल घरेलू यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर की बात की जा रही है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी आप लोग बात कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री के अंदर जो भी हम लोग कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में इसको बोलेंगे जीवीए। अभी यहां पर जो यहां पर बात इसको बोलेंगे जीडीपी, अगर हम लोग बात करते हैं जीवीए के बारे में तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में आप लोग बात कर लो या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लो, जैसे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बात कर लो, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, पहले हम लोग फोकस डालते हैं इन बेसिक टर्म्स के ऊपर। टर्म क्या है यहां पर, ये फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं यहां पर साधन लागत। नेक्स्ट यहां पर ये है बेसिक प्राइस, इसको बोलते हैं आधारित कीमतें। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं बाजार कीमतें, ठीक है। तो ये आप लोग हिंदी में भी थोड़ा याद रखिएगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ताकि आप लोग इस मेरे साथ में अपने आप को कोरिलेट करके चल सकें। आइए अब आगे बात करते हैं, एक एक टर्म को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मार्केट प्राइस एक्चुअल में बेसिकली है क्या, तो मार्केट प्राइस आप लोग ऐसा बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट में अगर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं और माइनस सब्सिडी आप लोग कर देते हैं तो ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। समझ लीजिए इसको एक बार, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। फैक्टर कॉस्ट होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को डिटेल में यहां पर बताया था, ये कुछ बातें जिनके बारे में आप लोग नजर डाल सकते हैं। यहां पर आप लोग देखिए चार फैक्टर होते हैं बेसिकली अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको आप लोग प्रोडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे लेबर की जरूरत होगी तो आप लोग उसको वेज देंगे, कैपिटल की जरूरत होगी तो आप लोग उस पर इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, यानी कि कोई मशीन खरीद के लेके आ रहे हैं, पैसा कहीं से उधार लेकर आ रहे हैं तो आप लोग को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आएगा अगर आप लोग ये बिजनेस करते हैं। अगर कोई लैंड आप लोग लेते हैं तो या तो आप लोग खरीदेंगे तो वो कैपिटल बन जाएगी, अगर खरीदेंगे नहीं तो आप लोग उसको रेंट पे करेंगे। तो ये है फैक्टर, ये है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा फैक्टर प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट की जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये है फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर, जो कि बेसिक चार फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया।
तो ये जो बेसिक चार फैक्टर है, अगर आप लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई छोटी सी फैक्ट्री लगानी है, तो ये चार चीजें आप लोगों को यहां पर चाहिएगी। यानी कि आप लोगों को यहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल धन की या फिर मशीनों की जरूरत पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को प्रॉफिट यहां पर निकल कर आएगा, और जो लैंड होगा उसका आप लोगों को रेंट पे करना पड़ेगा। तो क्या हो गया यहां पर, ये आप लोगों की फैक्टर कॉस्ट हो गई। अब फैक्टर कॉस्ट हो गई, यहां पर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर वो प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में लेकर आएंगे तो उसके ऊपर आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलेगा। मार्केट से आप लोग बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट खरीदते हैं तो आप लोग क्या देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। दूध का पैकेट लेकर आते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। कोई भी सामान अगर आप लोग खरीदते हैं, आप लोग उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको आज के डेट में हम लोगों ने जीएसटी बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें सब्ज्यूम इसको कर लिया गया है। ठीक है। अच्छा, हमारी कंट्री में जीएसटी जो है वो किस दिन से इंप्लीमेंट किया गया था, यानी कि जीएसटी डे अगर मैं आप लोगों को बोलूं किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लोग बताइएगा। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी कि मैक्सिमम जो सब्ज्यूम यहाँ पर जीएसटी के अंदर कर लिए गए हैं, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक ये पहुंच जाते हैं। सब्सिडी की मतलब होती है एक तरीके से छूट, यानी कि अगर मान लीजिए आज के डेट में हम लोग बात करते हैं, आप लोग कोई ग्रीन कोई ऐसा व्हीकल खरीद के लेके आते हैं जो कि बैटरी से चलने वाला है, इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर आप लोग कोई ऐसा व्हीकल खरीदेंगे जो इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हम इसमें आप लोगों को 20% की सब्सिडी देंगे। यानी कि अगर इसकी कॉस्ट 1 लाख है तो आप लोगों को 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस 80,000 रुपए में इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ जाएगी, 20,000 रुपए की छूट पड़ेगी अगर आप लोग ये व्हीकल खरीदेंगे। अगर आप लोग दूसरे साइड में नैनो खरीदेंगे जो कि यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे पेट्रोल या डीजल पर अगर आप लोग उसको चला रहे हैं, और दूसरे साइड में छोटी सी नैनो जो कि बैटरी पर आप लोग चला रहे हैं, तो ये इस पर नहीं मिलेगी डीजल या फिर पेट्रोल वाली पर, ये ओनली बैटरी वाली पर मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, क्यों किया जा रहा है, ताकि पर्टिकुलर एरिया को लोग ज्यादा फोकस करें और इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग समझ सकते हैं, सब्सिडी का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया को गवर्नमेंट बढ़ावा देने चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको यूज किया जाए, तो यह छूट दी जाती है यहां पर। तो अगर आप लोग यहां पर फैक्टर कॉस्ट जो मैंने अभी चार फैक्टर आप लोगों को बताए और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप लोग जोड़ दें और इसमें से जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई है उसको घटा दें, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचने के लिए आ जाता है तो उस टाइम पर उसका प्राइस क्या होता है, वो मार्केट प्राइस होता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट के लिए आप लोग कोई कॉस्ट पे करने वाले हैं, लैपटॉप के ऊपर आप लोग इनडायरेक्ट वे में अगर कोई आप लोगों को बोले कि 40,000 रुपए का ये लैपटॉप है, इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को उसमें इनबिल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों से टैक्स भी इकट्ठा ही वहां पर लिया जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनके बीच में रिलेशन है। अब बात करते हैं बेसिक प्राइस के बारे में। बेसिक प्राइस अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बेसिक प्राइस क्या है, तो बेसिक प्राइस यानी कि बेस का प्राइस, यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको समझेंगे। फैक्टर कॉस्ट पहले हम लोगों ने अभी देखी, चार फैक्टर जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, चार फैक्टर ये हो गए यहाँ पर, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड। इनके लिए आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चार फैक्टर में से आप लोग अगर प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर देते हैं और यहां पर प्रोडक्शन सब्सिडी घटा देते हैं, यानी कि फिर से सब्सिडी घटाई जा रही है, पर लेकिन ये प्रोडक्शन क्या है, अब पहले प्रोडक्शन के बारे में समझ लीजिए, प्रोडक्शन टैक्स और यहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट टैक्स देखने को मिलेगा, इनके बारे में एक बात समझ लेते हैं, फिर आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। प्रोडक्शन टैक्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टैक्स ये एक तरीके का टैक्स होता है। मान लीजिए आप लोग कोई कहीं पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो आप लोगों को फी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फी। लैंड के लिए आप लोगों को लैंड रिवेन्यू देना पड़ता है। स्टाम्प के लिए आप लोगों को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ये आप लोगों से जो लिया जाता है, ये इस तरीके से नहीं है कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। यानी कि आप लोग कोई कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कंपनी को आप लोग रजिस्टर करा रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर ये लग गया आप लोगों का। लैंड आप लोगों ने ले लिया वहां पर, तो उसके लिए लैंड रिवेन्यू लग गया। स्टाम्प ड्यूटी यानी कि एक तरीके से आप लोग जो स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उसके स्टाम्प ड्यूटी आप लोग देते हैं, तो ये भी एक तरीके से यहां पर आप लोगों का ये क्या हो गया, प्रोडक्शन। यानी कि ये आप लोग की फैक्ट्री के ऊपर टैक्स इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं। जो फैक्ट्री है यहां पर जो एक तरीके से उसके लिए यहां पर आप लोग ये पर्टिकुलर चीजें यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि ये कंपनी जो फ्रेम है, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस कर रही है समथिंग, तो यहां पर एक तरीके से उसके ऊपर, यानी कि एक तरीके से ये एक्चुअल वॉल्यूम क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी कि आप लोग प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं उसके अंदर वो बना रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, उसके अंदर बाद में लगता है प्रोडक्ट टैक्स। यानी कि एक फैक्ट्री आप लोगों ने बना ली, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, लैंड रिवेन्यू दी, स्टाम्प ड्यूटी दी, उसके ऊपर ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और भी कई सारी चीजें होती हैं, बेसिक समझ कर चलिए, तीन चीजें याद रखिए। अभी अगर बात करते हैं प्रोडक्ट टैक्स के बारे में, प्रोडक्ट टैक्स है मतलब, यानी कि यहां पर पेंसिल बनाई जा रही है, पेंसिल का जो प्राइस है 10 रुपए है और वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 रुपए, तो 2 रुपए यहां पर टैक्स लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर। तो जितनी पेंसिल बनाई जाएगी हर पेंसिल के ऊपर 2 रुपए टैक्स लगेगा, तो ये हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी आप लोगों का हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, तो ये आप लोगों के प्रोडक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं।
तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया कंप्लीट, जो यहां पर जो आप लोग कंपनी है फिल्म है उसके ऊपर जो आप लोग उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट टैक्स हो गया पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो आप लोग बना रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के बारे में क्लियर माइंड में होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा और समझ लीजिए, चलिए और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। कोई कंपनी है उसने बनानी है गाड़ी स्टार्ट की, तो वो जो गाड़ी बना रही है उसके लिए उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, पर लेकिन कितनी गाड़ी बना रही है उसके लिए उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लग रहा है, ये प्रोडक्शन टैक्स हो गया। अब कितनी गाड़ी बना रही है उसके लिए अलग से प्रोडक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में। तो ये एक तरीके से कंपनी के ऊपर इंपोज किया जा रहा है जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रही है, पर लेकिन क्या प्रोड्यूस कर रही है उससे मतलब नहीं है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रही है, वॉल्यूम वहां पर नीचे आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट टैक्स बोलेंगे। आइए अब नजर डालते हैं यहां पर कंप्लीट इनके बारे में क्या क्या इनके बीच में रिलेशन है ढंग से। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट हो गया, जो चार फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए, प्रोडक्शन टैक्स हो गया यानी कि कंपनी के ऊपर कोई टैक्स लगा होगा वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि वो प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए। नेक्स्ट यहां पर जो प्रोडक्शन सब्सिडी है यानी कि अगर आप लोग कोई मारुति गाड़ी की कंपनी लगाना चाहते हैं तो कंपनी के लगाने के लिए गवर्नमेंट यहां पर सब्सिडी दे रही है आप लोगों को 10% रुपए की, 10% की छूट दे रही है, तो ये यहां पर एक तरीके से सब्सिडी हो गई। तो यहां पर बेसिक प्राइस में से प्रोडक्शन सब्सिडी यहां पर घट जाएगी तो ये बेसिक प्राइस आ जाएगा। बेसिक प्राइस का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट किसी चीज को लगाने में जो पैसा लग रहा है, प्रोडक्शन टैक्स यानी कि पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको बोल देंगे आप लोग बेसिक प्राइस, ठीक है। ये एक साथ एक तरीके से आप लोग रिलेशन भी चल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में रिलेशन हो गया यहां पर, ये देखते हैं हो गया फैक्टर कॉस्ट और ये हो गया मार्केट प्राइस, यहां पर फैक्टर कॉस्ट और यहां पर बेसिक प्राइस में एक तरीके से रिलेशन आ गया, यहां पर ये हो गया बेसिक प्राइस और ये हो गया मार्केट प्राइस। अगर बेसिक प्राइस के हिसाब से आप लोगों को मार्केट प्राइस निकालना है, बेसिक प्राइस अभी आप लोगों को यहां पर बताया क्या है बेसिक प्राइस कि फैक्टर जो कॉस्ट है यानी कि जो चार अभी मैंने आप लोगों को बताया जो जमीन वगैरह फंडा वो सारी चीजें, इसमें से प्रोडक्शन टैक्स यानी कि किसी कंपनी के ऊपर जो वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, कंपनी के ऊपर टैक्स लग रहा है, इस तरीके से समझिए, और इसमें से सब्सिडी घटा दिया ये बेसिक प्राइस आ गया। तो बेसिक प्राइस में अगर आप लोग प्रोडक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, प्रोडक्ट यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट यानी कि पेंसिल यानी कि गाड़ी और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी यानी कि अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके ऊपर भी आप लोगों को सब्सिडी देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर जो छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बनाओ ज्यादा से ज्यादा पेंसिल बनाओ, तो ये आप लोग यहां से भी आप लोग मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आप लोगों को मैंने कोरिलेट करके भी दिखा दिए, यानी कि ऐसा नहीं है आप लोग यहां पर अब समझ सकते हैं अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालनी है या फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूं जीडीपी आप लोगों को मार्केट प्राइस पे निकालनी है तो इसका मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है वो कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को लगाना और सब्सिडी घटा देनी है उसके ऊपर कह रहा है कि जीडीपी काउंट करनी है। अगर जीडीपी आप लोगों को बेसिक प्राइस पर निकालनी है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन टैक्स आप लोगों को लगाना है और यहां पर जो प्रोडक्शन सब्सिडी है वो घटा देनी है, ये हो गया बेसिक प्राइस। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें कई बार आप लोगों को बोल देगा फैक्टर कॉस्ट पर निकालो मार्केट प्राइस पर निकालो तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ये तीनों की तीनों टर्म बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोग की अब होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से आप लोगों को सुनिएगा, जब तक समझ में नहीं आ जाता सुनता रहना आप लोगों, क्योंकि कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें कि यहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है कुछ, सीधा सीधा यहां पर फंडा है कि हाँ मार्केट में आएगा तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। सॉरी बेसिक प्राइस की जो बात कर रहे हैं वो यहां पर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन टैक्स आप लोग लगा देंगे और सब्सिडी घटानी है, सब्सिडी घटा किस लिए रहे हैं, सब्सिडी इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो छूट दी जा रही है। अब मार्केट में तो सब्सिडी आप लोग लेंगे नहीं कस्टमर से क्योंकि ऑलरेडी वो छूट इसीलिए दी है ताकि वो प्रोडक्ट बढ़ाया जा सके, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं टर्म के बारे में जानते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी, अब समझते हैं इनके बारे में। जीडीपी जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्य वृद्धि, तो इनके बारे में बातें हैं। मैंने बोला था जीडीपी का मतलब यहां पर अगर ग्रोस को बोलते हैं तो कुल यानी कि टोटल, तो टोटल जो भी प्रोडक्शन आप लोग किसी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। इसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अलग से। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जीवी और जीडीपी के बारे में, तो जो पहले आप लोग जीडीपी की तो डेफिनेशन आप लोगों को बताई है जिसको हम लोगों ने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब क्या है कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि अगर आप लोग यहां पर एक बार मैप देखेंगे ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए तो ये आप लोग देखते हैं ये हो गया हमारा प्यारा भारत, बीचों बीच में आप लोग देखते हैं तो हमारी भारत की जो फिजिकल बाउंड्री है यानी कि इधर आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं, उधर थोड़ा अफगानिस्तान कनेक्ट हो गया, यहाँ नेपाल, थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर बाउंड्री दिखेगी, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री हो गई, तो हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर आप लोग टाइम डिफाइन कर लीजिए यानी कि एक साल के लिए अगर हम लोग काउंट करना है
तो कितना यहां पर एक साल में कितना हम लोग यहां पर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है जो फिजिकल सामान, यानी कि गाड़ी बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं। सर्विसेज का मतलब होता है यानी कि मैं आप लोगों को टीचिंग एक तरीके से पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं वैसे फिजिकली आप लोग कुछ नहीं दे रहा हूं कि आप लोग यहां पर प्रोडक्ट बेच रहा हूं कि हाँ ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट आने वाला है और आप लोग मुझे पैसा दीजिए, नहीं, मैं आप लोगों को यहां पर सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये अलग बात है कि सर्विस भी यहां पर काउंट हो सकती है, यानी कि ये सर्विस काउंट हो रही है पर लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर यहां पर मैं आप लोगों से पैसा ले रहा होता ये सारी चीजें पढ़ाने का, तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री की ये आप लोग देख सकते हैं कि सर्विस, जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं ना आप लोग इलाज करवाने के लिए, तो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। वकील के पास जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। टीचर के पास में जहां पर पैसे देते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो हमारी कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा, यानी कि वो गुड्स और सर्विस हमारी कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा, जो कि फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जो भी हम लोग प्रोड्यूस यहां पर कर रहे हैं। बेसिक बेसिक बात समझ, जीडीपी हो गई हमारी कंट्री की, अलग जीडीपी है, पाकिस्तान की अलग होगी, अफगानिस्तान की अलग होगी, और इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की अलग अलग जीडीपी होगी, और ऑल ओवर वर्ल्ड की भी जीडीपी निकाल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी क्या होगी। तो ये एक तरीके से आप लोग बड़ी वैल्यू बोल सकते हैं यहां पर, यानी कि बड़े स्केल पर हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी में। पर लेकिन जब जीवीए की बात करते हैं हम लोग, ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू एड करी है यहां तक आते आते आप लोगों ने, उसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, आप लोग क्या करते चले जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने एक दो पहिया लेकर आए, दो टायर आप लोग लेकर आए, ठीक है, फिर आप लोग एक हैंडल कोई लेकर आ गए, और फिर आप लोगों ने इसको जोड़कर एक साइकिल बना दी यहां पर ऐसे करके कोई, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने साइकिल बना दी। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको देखेंगे तो कहने का मतलब यह कि अलग अलग टाइम पर पहले कहीं से आप लोगों ने पहिया खरीदे होंगे, फिर आप लोगों ने हैंडल खरीदा, कुछ आप लोगों ने टायर ट्यूब खरीदी, फिर जोड़कर इसमें आप लोगों ने साइकिल बना दी। तो ग्रोस वैल्यू, क्या क्या वैल्यू आप लोग इसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं, ये यहां पर मान लीजिए साइकिल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग मान लीजिए किसी दूसरे प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, कोई ऐसा है जो केक बनाने वाला है, तो वो क्या कर रहा है, गेहूं लेकर आ रहा है, उसको पीस रहा है, उसमें से आटा निकाल रहा है, उससे फिर ब्रेड बना रहा है, ब्रेड को फिर केक में यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू एड करते करते चला जा रहा है यहां पर। तो ये क्या, एक तरीके से ये मान लीजिए केक वाली इंडस्ट्री होगी, ये साइकिल वाली इंडस्ट्री होगी, इसी तरीके से कोई और अलग इंडस्ट्री होगी। तो ये अलग अलग जब हम लोग निकालते हैं यहां पर टोटल इस तरीके से कि हाँ क्या काम चल रहा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो ग्रोस वैल्यू एडिड इसको बोलने लगते हैं आप लोग। टोटल गुड्स और सर्विस जो इकोनॉमी के अंदर यहां पर प्रोड्यूस की जाती है एनी पर्टिकुलर पीरियड में, तो जीवीए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जीडीपी माइनस टैक्स, जो जीडीपी हमारी आ गई, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी प्रोड्यूस किया गया है गुड्स और सर्विस हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर, तो वो जीडीपी हो गई। जीडीपी में जो भी आप लोगों को टैक्स लगा है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या बात करें, ग्रोस वैल्यू एडिड की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में ये पहुंचा ही नहीं है तो टैक्स यहां से हटा दीजिए आप लोग, और मार्केट में नहीं पहुंचा है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सब्सिडी दी है भैया, तभी तो यहां पर इसने काम स्टार्ट किया है। जैसे मैंने बताया था ना गाड़ी खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो गाड़ी आप लोग यहां पर बनाना स्टार्ट तभी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि गाड़ी आप लोग बनाइए हम लोग सब्सिडी देंगे, तो गाड़ी आप लोग खरीद भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको भी सब्सिडी मिल रही है। तो यहां पर कंपनी की बात की जा रही है बेसिकली, तो जो जो जीवी है यहां पर कंपनी का, यानी कि जीडीपी में से अगर आप लोग घटाएंगे टैक्स, यानी कि जो अभी लगे नहीं है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा और सब्सिडी यहां पर मिल रही है, तो इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ये आप लोगों का जीवीए हो गया, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहां पर आप लोग इसको बोल देते हैं, अगर यहां पर आप लोग देखते हैं जीडीपी की बात की जा रही है वो मार्केट प्राइस पे है। मार्केट प्राइस का मतलब मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, सीधा सीधा मतलब क्या है मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस का सीधा सीधा मतलब यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि फैक्टर कॉस्ट, यानी कि चार जो आप लोग साधन वहां पर लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों का लग रहा है पर लेकिन सब्सिडी घटा दी जा रही है यहां से, तो ये आप लोगों का मार्केट प्राइस हो गया। तो इस तरीके से यहां पर ये जीवीए का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। टैक्स और सब्सिडी ये पार्ट यहां पर अगर आप लोग देखने को मिले तो टैक्स और सब्सिडी नोट पार्ट वैल्यू एडेड, यानी कि जो वैल्यू एड कर रहे हैं उसमें टैक्स और सब्सिडी उसका पार्ट नहीं बोला जाता है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जीडीपी जो देखते हैं वो तो नेशनल के लेवल पर हम लोग देखते हैं, जीवीए जो देखते हैं वो रीजनल लेवल पर देखते हैं, पर्टिकुलर एरिया का जीवीए क्या है ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सारे जब जीवीए आप लोग ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे चलकर आप लोग उसको बोल सकते हैं कि ये हमारी कंट्री की जीडीपी क्रिएट होगी। तो इनके बारे में और भी रिलेशन अगर आप लोग कोई यहां पर पूछे, जीडीपी अगर आप लोगों को निकालनी है तो टैक्स आप लोग ऐड कर देंगे इसमें से और सब्सिडी आप लोग घटा देंगे, क्योंकि सब्सिडी तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो ये आप लोगों का क्या निकल जाएगा, यहीं से ही आप लोग जीडीपी भी निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। अब एक बार आप लोग इनको देख लीजिए, इनको आप लोग कई बार देखने को मिलेगा तो कैसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहां पर बोला गया है जीवीए एट बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस पर अगर आप लोग जीवीए देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्शन टैक्स है वो यहां पर इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करना है मतलब यहां पर इसके अंदर होना चाहिए, और यहां पर एक्सक्लूड क्या करना है, ये यहां पर प्रोडक्शन सब्सिडी आप लोगों को एक्सक्लूड करनी है। तो इसका मतलब हो गया जीवीए एट बेसिक प्राइस।
आप लोग इसको यहां पर देख लीजिए, जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया था, प्रोडक्शन टैक्स जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं और सब्सिडी यहां पर माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये बेसिक प्राइस हो गया। और फैक्टर कोस्ट तो यार लगेगा ही, कोई सामान बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक चीजें तो चाहिएंगी, ठीक है, तो ये फैक्टर कोस्ट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग रिलेशन यहां पर देख सकते हैं, यानी कि टैक्स लग गया और सब्सिडी यहां पर क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी अगर आप लोगों से कोई पूछे मार्केट प्राइस के बारे में, तो यहां पर टैक्स तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन टैक्स भी और प्रोडक्ट टैक्स भी, और सब्सिडी जो है वो दोनों यहां से घट जाएंगी। सबसे पहले तो आप लोग यहीं पर ही देख सकते हैं, अगर जीवीए से जीडीपी आप लोग निकाल सकते हैं, ये यहां पर जीडीपी हो गया, तो जीडीपी को आप लोग यहां पर रखिए, इजकल टू अगर आप लोग करेंगे तो साइड में जाएंगे जीवी हो गया, जीवी में से आप लोग टैक्स को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये यहां पर टैक्स आप लोगों का जुड़ गया, सब्सिडी इधर प्लस है उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगी, तो ये माइनस सब्सिडी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग इसको उधर से भी लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग दूसरी साइड से भी समझना चाहते हैं मार्केट प्राइस के बेस पर जीडीपी को, तो आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग इंक्लूड करते हैं और सब्सिडी यहां पर माइनस करते हैं, तो क्या हो गया, यहां पर मार्केट प्राइस पर आप लोग की जीडीपी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये टर्म आप लोग यहां पर अगर कुछ भी देखने को मिलता है तो इसके बारे में आप लोग याद रख पाएंगे, तो तभी आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। शांत दिमाग से आराम से समझिएगा, कोई बड़ी तोप नहीं है, आराम से आप लोग इसको दिमाग में सेटल कर सकते हैं, दो तीन बार देख लेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब ये स्टेटमेंट आप लोग समझिए जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो सीएसओ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यहां पर ही आता है, पहले जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर ये काउंट करता था एंड मार्केट प्राइस पर काउंट करता था। आज की डेट में 2015 से इसने क्या कर दिया है, ये सीएसओ ने रिप्लेस कर दिया है, जीडीपी जो एट फैक्टर कॉस्ट थी उसको जीवीए एट बेसिक प्राइस पर रिप्लेस कर दिया है, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट पर ये इसको काउंट किया करता था, अब इसको क्या कर रहा है, जीवीए एट बेसिक प्राइस पर कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन टैक्स यहां पर ले रहा है और एक्सक्लूड कर दे रहा है यहां पर जो सब्सिडी हो गया, तो ये जीवीए एट बेसिक प्राइस हो गया, तो इसको इंक्लूड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर क्या कर रहा है, ये कर रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर यहां पर काउंट कर रहा है जीडीपी, जो कि आप लोगों की नॉर्मल जीडीपी बोली जाती है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बता दी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि टैक्स यहां पर इंक्लूड होंगे, सब्सिडी यहां पर माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, मार्केट प्राइस का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि टैक्स यहां पर जुड़ गए और सब्सिडी यहां पर घट गई, तो ये मार्केट प्राइस आ गया आप लोगों के सामने निकल का। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमारी कंट्री में सीएसओ के द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस के द्वारा ये तैयार किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जो सीएसओ है उसको यहां पर रिप्लेस किया जा रहा है सीएसओ प्लस एनएसएसओ, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों को रिप्लेस करके यहां पर एक नया ऑफिस बनाया जा रहा है जिसको नेशनल स्टेटिकल ऑफिस बोला जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, जिसको आप लोग MOSPI बोलते हैं। तो ये पहले यहां पर दोनों अलग अलग थे, अब इसको यूनाइट करके एक सिंगल एंटिटी बनाया जा रहा है, और उस सिंगल एंटिटी का मतलब रखा जा रहा है, नाम रखा जा रहा है NSO, यानी कि CSO और NSSO को मिलाकर यहां पर NSO नाम रखा जा रहा है, एक नई सिंगल आइडेंटिटी बनाई जा रही है। जो हेड करेगा वो कौन करेगा, जो सेक्रेटरी होगा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, वो यहां पर हेड करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने ये बन जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए अपने आप से, ये आप लोगों को याद भी रखना चाहिए वैसे, आज के में मिनिस्टर कौन है यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मिनिस्टर कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जीडीपी और जीवीए के बारे में बात करी, और इसी के साथ में ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करी। तो डिटेल में आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एक दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, अपने आसपास की चीजों पर इंप्लीमेंट कर देखिएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दे देकर समझाया, तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। रटना नहीं है, रटेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे, और रटाना मेरा कभी बेसिक आप लोगों का रहता भी नहीं है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और जब टाइम मिले किसी को पढ़ाते भी रहिए, और बाकी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी ये हमारे लेक्चर ही हैं जो चल रहे हैं, इनको आप लोग एंजॉय करते रहिए और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन आप लोग देते रहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।